नहीं सर चल प्रताप सिंह ठाकुर है। हम यहाँ से नेशनल के लिए 14 को यहाँ से गए थे और 20 को वहाँ से वापस आए। वहाँ पर हमें नेशनल में 6 फाइट खेल के 7वीं फाइट हार के ब्रॉन्ज मेडल मिला मेरे को। और क्या बोलते हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमें जूडो के थ्रू जितना हो सके उतना हेल्प मिले, आगे जॉब वगैरह में अच्छे से वो मिले। और हमें यहाँ से सनी सर लेके गए थे। सनी सर की बहुत बहुत हमारे लिए धन्यवाद जो हमें इतना आगे लेके गए। जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे इन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम गुलशन रतन और मैं JNK कूडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी हाल ही में ये बच्चे 12th कूडो नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके आए हैं जो कि हिमाचल सोलन में हुई। यहाँ से जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होके इनके ट्रायल हुए थे, ये सिलेक्ट होके हिमाचल गए और 5 के 5 ही हमारे मेडल आए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ये बच्चे जीत के आए हैं। और मैं एक मैसेज जो हमारा यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई भी गेम खेलें, कोई भी स्पोर्ट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करें और नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना मेडल जीत के अपने पेरेंट्स का, अपने स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करें। और ये जो नशा है इससे दूर रहें, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बने और आने वाले कल की सारी डोर यूथ पे है। तो आप लोग मैक्सिमम स्पोर्ट्स को यूज़ करें। अगर कूडो से रिलेटेड आप कोई मदद चाहते हैं तो आप हमारी एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।